शब्दों का वर्णों का ज्ञान। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, बताओ ये चित्र काय का चित्र है? ये कमल का चित्र है। अब कमल कौन से अक्षर से बनता है? का से बनता है। अब आप लोग इस दलिया में इस का को ढूंढेंगे और इस का को यहाँ पे फंसा देंगे, बन गया का से कमल। अब इसी प्रकार आप लोग इन शब्दों के पहले अक्षर जिससे ये शुरू होते हैं वहां पर, जैसे ये ला से लड्डू है तो यहाँ पे ला फंसा देंगे, ये सा से समोसा है तो यहाँ पे सा फंसा देंगे, और ये सारे अक्षर इसमें लगा देंगे। जो है उनको बताते जाइए, हमारी कविता है, हम पहले बच्चों को कविता सुनाएंगे। आम फलों का राजा है, कर देता मोटा ताजा, चटनी खा लो या अचार, सब होता है मजेदार। फिर बच्चों को हम ये स्लाइड दिखाएंगे और कहेंगे कि आम फलों का राजा है, इसमें से कहाँ लिखा है, स्लाइड को देखेंगे और बच्चे ऐसे पता लगा लेंगे कि आम फलों का राजा है। तो पहला अक्षर क्या है? आ है। तो बच्चे इन स्लाइड में से आ ढूंढेंगे सबसे पहले, और फिर उन्हें आ दिखाई देगा तो बता देंगे कि मैडम पहले ये वाली लाइन लिखी हुई। फिर हम अगर बच्चों से पूछेंगे सब होता है मजेदार, तो इन स्लाइड्स में से कौन सी है, तब बच्चे पहला अक्षर देख के बता देंगे कि पहले क्या बना है, सा बना है। तो उस स्लाइड्स में सा ढूंढेंगे कि सा कहाँ है पहले। तो इस तरीके से बच्चे उसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। संख्या की अवधारणा है, बच्चों को एक वैल्यू दिखाएंगे तो फिर उसके बाद उनको अंकों का ज्ञान कराएंगे कि जी एक है, उनको अगर दो दिखाए तो उनका ज्ञान करा देंगे, बच्चों को क्रमबद्ध सिखाएंगे कि कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी वस्तु बड़ी है, और उसको हम आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी वस्तु ये छाता है, हमने छातों को छह छाते लेते हैं, उनके डिफरेंट साइज को मतलब यहाँ चार्ट में दिखा रहे हैं, और जो सबसे छोटा छाता है इसके ऊपर इससे बड़ा, इसके ऊपर इससे बड़ा, इस तरीके से बच्चे आरोही क्रम में सीख सकते हैं कि छोटी से बड़ी वस्तु बन जाना, और जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे तो अवरोही क्रम में स्टार्ट कर पाएंगे कि बड़ी से छोटी वस्तु का दो नंबर है। का जो शीर्षक है स्वच्छता, और हमने कविता के लिए कहा था आगे बढ़ते जाना है किसी भी चीज़ का, जैसे पहले बचपन, बालावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इसी प्रकार पौधे से बीज से पौधों को कैसे बदलना है, किसी का दूसरा पार्ट भी अच्छा।